ये सच की राह है बड़ी कठिन, ये सच की राह है बड़ी कठिन, तू चलना संभल संभल के। यहाँ अपनों में हैं गैर छुपे और गैरों में कुछ अपने। चलता जा होकर निडर, जब हाथ तेरा थामा है तेरे गुरुवर ने, तो कोई भी तेरा बाल नहीं बांगा कर सकता। जय माता दी, जय गुरु जी। और आज बहुत ही इमोशनल हो गई मैं संगत जी, और क्यों हुई हूँ देखिए आप भी। इसके चक्कर में तो हम लेट हुए, देखो दीदी फेसबुक पे डालो ना, डालो लाइव। 27 जुलाई 2023, कैसे भूलूंगी मैं ये दिन, जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जिसके आप कभी सपना लेते थे, और आप में वो हुनर भी नहीं था। और जब आपको कोई लोग पूछते हैं कि भाई आपने काम करा है तो क्या कमाया, कितने व्यूज आए हैं, तो प्यारी संगत जी मैं बात कर रही हूँ अपने पहले वजन की। मेरे सतगुरु आए ना, तो ये जो सरप्राइज पार्टी है संगत जी, ये जो जितना भी परिवार बैठा हुआ है इनकी ओर से है। इन सब ने मुझे धोखे से बुलाया मेरी पूरे परिवार को, और ये सरप्राइज़ दे डाला। और जब आप ऐसा सरप्राइज़ देखते हैं ना, तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। और संगत जी, मैंने जो कमाया, जो मेरे पास खजाना है, वो सब मैं आपसे आज शेयर करूँगी। संगत जी, मैंने पाई है अपने माँ के चेहरों पे वो खुशी, मैंने देखी है अपने माँ के चेहरे पे वो मुस्कान, जो शायद ही कितने वर्षों में मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने पाया है वो प्यार शायद, जिसको पाने के लिए कई लोग तरसते हैं। यही मेरे व्यूज़ हैं, यही मेरा इनाम है। टिमसी आंटी आती है मेरे घर कि अनु दीदी, रात को मेरे बर्थडे की पार्टी है तो आपको आना है, और मुझे बर्थडे में बुलाया जाता है। और जब मैं वहाँ जाती हूँ, और वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। ये सारी की सारी टोली शामिल है इस खेल में, ये नन्हे नन्हे बच्चे भी इस टीम के भागीदारी में शामिल हैं। बहुत ही अच्छा गुरुजी ने मुझे व्यूज दिए हैं मेरे पहले भजन के, मुझे इनाम दिया है। कितनी प्यारी प्यारी संगत है जिन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके अपने घरों से भजन पे मेरे डांस करते हुए मुझे लाइव दिखाया है। कितनी संगतों ने अपने घर की वीडियो बना के नाचते हुए झूमते हुए खुशी मनाई है। तो यही मेरे व्यूज़ हैं, यही मेरा इनाम है संगत जी। और सच्ची संगत ढूंढिए, मैं बार बार कहती हूँ, ग्रुपिज्म छोड़िए, इंसानों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। ग्रुपिज्म में आप सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को खुश कर रहे हैं, एक दूसरे का मन रख रहे हैं। अरे ये कभी आपके सगे नहीं होंगे, बुरा मत मानिएगा संगत जी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद मेरे में भी बहुत बहुत ज़्यादा अवगुण है, और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो ये अवगुण धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं। और सच्ची भक्ति कीजिए, गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से प्यार कीजिए, गुरुजी को खुश कीजिए। और जब आप गुरुजी को खुश करेंगे तो पूरा संसार आपसे खुश होएगा, और जब आप केवल और केवल इंसानों को खुश करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपसे नाराज होगा। क्योंकि संगत जी, जितना वक्त हम इंसानों को रिझाने में लगाते हैं ना, उससे आधा वक्त भी अगर हम अपने ईश्वर, अपने रब, अपने गुरुजी के संग बिताते हैं ना, उनको मनाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। तो भाई चुन लीजिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है, सच्ची भक्ति और शक्ति का या दिखावे का। कुछ नहीं साथ जाना, क्या लेके आए हो, सब यहाँ रह जाना। करोड़ों की हस्तियाँ भी यहीं दफनाई जाएंगी, और जो कोड़ी के भी मालिक नहीं है, जो कीड़े मकोड़े जिनको लोग मानते हैं, वो भी उसी मिट्टी में दफनाए जाएंगे। मिट्टी दोनों को एक ही मिलेगी। मांगिए ईश्वर से, वो सब सुख सुविधाएं मांगिए जितनी आपके लिए ज़रूरी हैं। हमेशा हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु घरों में सुख शांति देना, खुशियां देना।
और ये जो खुशी है ना संगत जी, ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इसको अपनाना पड़ता है। इन खुशियों को वो कैसे अपनाएंगे? खुद को बदल कर। बार बार कहती हूँ, अगर कोई आपसे गलत करता है तो आप मत करिए, वक्त दीजिए, शायद उसे कभी ना कभी एहसास हो, और अगर ना भी होता हो तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। यह इंसान ईश्वर को नहीं छोड़ता तो वह इंसानों को क्या छोड़ेगा। और आप भी सोच रहे होंगे, आंटी जी आज इतनी खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अभी बहुत सारी वीडियोज़ पेंडिंग हैं, बहुत सारी संगतों की वीडियोज़ पेंडिंग हैं, मेरी खुद की जो प्रेपरेशन वाली वीडियो है कि कैसे हमने सत्संग की तैयारी की, वो पेंडिंग है, सत्संग की वीडियो पेंडिंग है, मेरे भजन की वीडियो पेंडिंग है। तो सारी वीडियोस और जो बिहाइंड द सीन्स जब मैं भजन बनाने जाया करती थी, वो वीडियोस भी पेंडिंग है। तो सब मैं धीरे 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 डालूंगी, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पा रहा, क्योंकि संगत जी बहुत सारे संगतें कांग्रेचुलेशंस बोल रही हैं, जिनके दिल में जितना प्यार है वैसे वैसे वो मुझे अपना प्यार दे रही हैं। तो आप सबका भी शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। और बार बार कहती हूँ, सामान मत लीजिए, सामान आपके पास पूरी उम्र नहीं रहेगा, सम्मान लीजिए, सम्मान लेना बहुत जरूरी है। वहाँ से बनी नहीं रही है, वहाँ से बनी नहीं रही है, ये होना आ रहा है। सेलिब्रेशन बस यही है असली खजाना और यही है असली दौलत, कि दूसरों के चेहरे पे आपकी वजह से भी मुस्कान आ जाए। थैंक यू सो मच जितने भी ये परिवार है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जिन सब ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया। इंसान खाने पीने का भूखा नहीं होता, इंसान भूखा होता है केवल और केवल प्रेम का। है लाखों तूफान सीने में, है लाखों तूफान सीने में, हर रोज़ उन्हें छुपाती हूँ। है लाखों तूफान सीने में, हर रोज़ उन्हें छुपाती हूँ। मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है बस वही मैं गुनगुनाती हूँ। हंसते रहो, हंसाते रहो, और दूसरों को खुश रखने के लिए जोकर भी बन जाओ। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Screwed when we play our roles in
पटोली कर दे, पटोली कर दे। वैसे ये मैं आपको सब आपको नहीं बता दी।